थी। मैं तो कहता कि आप भी चलती पार्क में, जरा खुली फजा में आपको भी दिल बहल जाता। नहीं नहीं, आप बच्चों को ले जाइए, डॉक्टर ने भी कहा है कि नोनी खुली फजा में सांस लेगी तो उसके लिए बेहतर है। इसलिए तो लिए जा रहा हूँ मैं, वहाँ पार्क में इनको छोड़ के बच्चे चला जाऊंगा, वापसी पे मेरे साथ ही लौट आएंगे। ठीक है ठीक है। दादाबू जल्दी चले, वहाँ पर इतने बच्चे होते हैं, झूले में बारी बहुत देर से आती है। अच्छा हाँ चलो बेटा, खुली फिजा में गहरे सांस लेना। पुप्पू ऐसे है, मोनी पुप्पू ऐसे दीदी ऐसे ही। चलो नाफिस बेटा, चलो 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 चलो। जान इमरान, सोनू को साथ ले जाओ। नहीं खाला, आप भी साथ चलें, यहाँ पे इतनी बदतमीज आंटियां होती हैं, मैं आगे भी नहीं जाने देती। आप भी चलें साथ। नहीं वो मेरे पैर में तकलीफ है, प्लीज तुम बच्चों को ले जाओ। अच्छा ठीक है, फिर आप बेंच पर बैठ जाएं, मैं इनको साथ ले जाती हूँ। चलो चलो। सुनो ना पुप्पो, मैं स्केटिंग पे जा रहा हूँ। काशिफ पुप्पो, हम लोग जा रहे हैं, आप यहीं बैठी रहे, हम लोग खुद थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन बात सुनो, काशिफ का ख्याल रखना, इधर उधर ना हो जाओ। मैं उसके साथ ही रहूंगी। चलो जाओ बहन के साथ। काशिफ आराम से आओ। भाई मेरा तो बड़ा दिल है। आयजा तुम क्या करती हो? देखिए इतने अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। आप यहाँ बड़े दिल से रिश्ता लेकर आई हैं। फिर कोई गैर थोड़ी है, नोनी की बड़ी बहन है, उसका अच्छा ही चाहेंगी। लेकिन लड़का तलाक याफ्ता है। क्या हो गया है, आजकल तो छोटी छोटी बात पे तलाक हो जाती है, और वो लड़की सही नहीं थी। और तुम दोनों देखना, हमारी नोनी राज करेगी राज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब्बा इस रिश्ते के लिए मानेंगे। इनकार करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा शालम, कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम नोनी को किसी बाहैसियत घर में ब्याह सकें। कहती तो तुम ठीक हो, अब्बा की भी कोई सेविंग नहीं है। मैंने भी ऑफिस में 1,00,000 रुपए की बीसी डाली थी, जो 2 साल तक मुझे भुगतानी है। आजकल तो 1,00,000 में मेहंदी का खाना भी नहीं होता, ये लोग तो सादगी से शादी करने का बोल रहे हैं। खुदा के वास्ते मुझे ये बता दें कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? मैं आपके पीछे नहीं पड़ी थी, मैं आपके पीछे खड़ी थी, बल्कि मुझे तो पता नहीं था कि आप आगे बैठे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी और आपके घर वालों की नजरें खराब है। उस दिन आपका भतीजा मेरी बाइक के आगे आ गया, आज आपने सारा पानी मेरे ऊपर फेंक दिया। आपके पूरे खानदान को इलाज की जरूरत है, इलाज कराएं अपना। अंधे होंगे आप और आपके होते सोते, यानी कहां से बार बार आके टकरा जाते हैं। मैं टकराया हूं? मैं? मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, आजकल की लड़कियां होती ऐसी बदतमीज लड़ाका किस्म की आपकी तरह। और मेरी अम्मी कहती है कि आजकल के लड़के बहुत ही बदतमीज और बेहिज होते हैं, आपकी तरह। दीदी माफ करो, माफ करो, मुझे माफ कर दो। बदतमीज, जाहिल, गधा, तमीजी नहीं है। वाह भाई वाह वाह। वैसे मुन्ने, बच्चों को पानी की बिल्ली तो बन के दिखाओ जरा। यार कमाल करते हो, यही काम करना था तो घर पे कर लेते हैं। चाचू भाई तो पार्क में भी सब हंस रहे थे। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है तुम्हें मुन्ने? पता नहीं, हम आइसक्रीम खा के वापस आए तो मुन्ने चाचू पूरे पानी में भीगे हुए थे। चुप करो तुम लोग, उससे भी तो बोलने दो कुछ। मुन्ने बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? अरे मैं तो आराम से बेंच पे बैठा हुआ था, किसी ने पानी वाला पाइप खोल दिया और सारा पानी मेरे ऊपर। एक बात समझ नहीं आती, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं? हम भी 1,000 बार पार गए, कभी हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अच्छा ये बताओ, तुमने देखा नहीं उसे कौन था वो, डांटना था पकड़ के। होगा कोई शरारती बच्चा, मैं होती ना थप्पड़ मार देती उसको। वो बच्चा नहीं,
उसको तो। मतलब कौन था भाई साहब? वो वहां का माली था शायद, वो पता नहीं कैसे सारा पानी उसके हाथ से पाइप स्लिप हो गया, पता नहीं क्या हुआ सारा। यार वैसे एक बात की मुझे बहुत खुशी है, कम से कम इसी बहाने तुम्हारे गुनाह धुल गए। अरे मुन्ने जाओ जाकर कपड़े बदलो, पूरा फर्श गीला कर दिया, कीचड़ कर दिया सारा। बाजी मैं साफ कर दूंगी। तुम क्यों साफ करोगी भाई, तुम इस घर में मेहमान हो, कोई मुलाजिम तो नहीं हो? नहीं नहीं दुर्गन भाभी, मैं चेंज करके मैं सब साफ कर दूंगी। आप क्यों पोछा लगाएंगे? क्यों, जब गंद कर सकता है तो साफ क्यों नहीं कर सकता? जाओ तुम, मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बना के रखे, इनको अंदर ले जाकर दे दो, जाओ बच्चों खाला के साथ। देख रही हो तुम, जिस तरह उसकी उम्र बढ़ती जा रही है अकल उतनी ही कम होती जा रही है। कोई बात नहीं, हमेशा से पढ़ाई में बहुत आगे रहा है मुन्ना, अगर सीए ना छोड़ता तो जॉब कर रहा होता आज। भूल है तुम्हारी, जिस तरह बीकॉम करने के बाद पढ़ाई से जान छुड़ाई है ना, सबको पता है सीए कर ही ना लेते वो। जॉब करते हुए उसने फर्स्ट डिवीजन में बीकॉम किया है, सीए भी कर ही लेता अगर अब्बा के चले जाने के बाद घर की जिम्मेदारी में हाथ ना बटाना होता उसे। होपफो, एक तो आप लोग भी कमाल करते, हर दफा मुन्ने की नौकरी का एहसान ऐसे जताते हैं हम पर जैसे पता नहीं वो कौन सा हाथ बटा रहे। आज तक मुन्ने ने अम्मी की दवाइयों के और इस घर के बिलों के अलावा और कुछ नहीं किया, हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी तनख्वाह है कितनी। कितनी होगी, 15,000 रुपए थी जब जॉब पे लगे थे, रो रोकर 4 साल में 25,000 हुई है। वैसे मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में भी ये मेरा हाथ बटा पाएगा। और उस पे अम्मी हुजूर चाहती हैं कि मुन्ने की शादी कर दी जाए। शादी छोड़ो ये बातें तस्नी, क्या हो गया तुम्हें? घर में जो आएगी वो अपना नसीब साथ लेकर आएगी। लो भाई नहीं सुनो, अरे निगार आने वाली अपना नसीब साथ लाएगी, मगर मुन्ने के नसीब पर भी कुछ इन्हसार है या नहीं? अब आज का ही देख लो, सैर करने गए थे और तैर के आए। लेकिन अब क्या ये तो सोचिए लोग क्या कहेंगे कि हमने अपनी बहन की शादी एक तलाक याफ्ता आदमी से कर दी। लोगों को कौन बताएगा? अरे भाई ये तो उन लोगों की शराफत है जो उन लोगों ने हमें खुद बता दिया, वरना हमें कैसे पता चलता? अजीब बातें करते हो तुम शालम। ठीक है मैं अब्बा से बात करूंगा। बात नहीं करनी, तुमने अब्बा को राजी करना है, समझाओ अपने शौहर को। जी ये क्या कर रहे हो? अम्मी वो पानी गिर गया था, बस साफ कर रहा हूँ। निमरा बेटा आप बैठी हुई हो, चाचा की मदद ही कर देती। दादू मुझसे नहीं होते गंदे संदे काम। बेटा कितनी बुरी बात है, अच्छे खासे बड़ी हो गई हो, यही उम्र तो होती है कि लड़की काम सीखती है और घर में मदद करती है एक दूसरे की। ये क्या फर्क बच्चे के पीछे पड़ी रहती है? देख रही है अभी स्कूल से आई है, ट्यूशन से ख्वार होकर आई है, आपको तो मौका चाहिए उसे कुछ ना कुछ कहने का। बेटा 13 साल की हो गई है, इस उम्र में तो बच्चियां घर में काम काज में हाथ बटाती हैं। अभी देख रही है कि चाचू पोछा लगा रहा है, तो अगर इसकी मदद कर देती तो क्या बुराई? ये गंद फैलाया भी तो चाचू नहीं है, आपको तो बस मौका चाहिए मेरे बच्चों में कीड़े निकालने का। अम्मी बस रहने दें, थोड़ा सा हो गया, बस मैंने कर लिया। क्या हुआ? होना क्या है, इस घर की गुलामी के लिए मैं अकेली काफी नहीं हूँ, अब ये चाहती है कि मेरी बच्ची भी करे इस घर की गुलामी। अम्मी? अरे बेटा उसका पैर सूजा हुआ है, मैंने इससे कह दिया कि जरा चाचू की मदद कर देती थोड़ा सा। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, हद होती है ना शुक्रपने की, कुटो के यहाँ कोई औलाद नहीं। निगार के यहाँ कोई उम्मीद नहीं, बजाय इसके मेरे बच्चों की कदर करें, इन्हें खटकते हैं मेरे बच्चे। कह रही थी ना मैं आपसे, दो बच्चे काफी हैं, कोई जरूरत नहीं इस तीसरे की। उठो तुम दोनों, क्या खा रहे हो, उठो चलो अंदर।
देखा तुमने, मेरी बेटियों की बेलाद उन्हीं के ताने दिए। अभी अब आप उसके बच्चों को कुछ कहेंगी तो वो आगे से कुछ ना कुछ तो बोलेगी ना। शुरू हमेशा आप करती हैं और आप चाहती हैं मैं जाके उसे डांटूं। आपको पता है वो प्रेग्नेंट है, पूरे घर की जिम्मेदारी है उस पे। वो चिड़चिड़ी हो गई है, अब आगे से कुछ बोल देती है तो। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया, क्या बोला है मैंने? अरे यही तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप सही क्या कह रही हैं और गलत क्या कह रही हैं। मुंडे के लाड से आपको फुर्सत मिले तो हमारे बच्चों पे कुछ ध्यान देना आप। तस्नीम, तस्नीम, भैया आज़म अभी कस्टर्ड तो आपने बड़ा मजे का बनाया, लेकिन नोनी के हाथ का ट्राइफल सबसे मजे का होता है। खैर इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कामरान भाई आपसे आप यही कस्टर्ड खाने की आदत डाल लीजिए। अच्छा क्यों भाई? क्या पता कब और कितनी जल्दी नोनी अपने घर की हो जाए। क्यों अम्मी, क्या नोनी के लिए कोई प्रपोजल आया? अगर कोई रिश्ता नजर में आया तो मुझे बता दीजिए, बहुत कॉन्टेक्ट है मेरे। कामरान हद करते हो तुम भी, नोनी सामने बैठी हुई है, लड़कियों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते हैं। भाई मॉडर्न जमाना है, आज का तो लड़का लड़की रिश्ता आता है तो पहले लंच पे जाते हैं, जब दोनों की तरफ से ओके होता है तो जब भी रिश्ता कबूल होता है। ये कौन से मॉडर्न लोग हैं? हमारे यहाँ तो इस तरह ना होता है और ना ही ऐसा होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, भाभी ने अभी कहा अगर कोई लड़का नजर में है तो मुझे बता दीजिए, मोनी ना मिले मैं मिल लूंगा। नहीं बेटा वो आयजा ने तो ऐसी एक बात कह दी है, जब इंशाल्लाह कोई रिश्ता आएगा तो कासिम शालम और आप लोग ही तो मिलोगे ना। वो दरअसल अब्बा अपिया ने शालम बोलो 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 बेटा क्या बात है? नहीं वो एक्चुअली अब्बा मैं कहना चाह रही थी कि नोनी जी अपिया खा लिया तुमने? जी। अब तो फिर ऐसा करो हम सबके लिए ग्रीन टी बना के ले। जी अब्बा अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हम कमरे में चले। चिताना सुनते सुनते मेरा दिल छलनी हो गया। अम्मी वहां उठते बैठते कई बार उसकी अम्मी मुझे ताना देते और यहाँ तस्नीम भी। बेटा अल्लाह की यहाँ देर है, हम देर नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी खाली झोली भरे। कब कब होगा ऐसा अम्मी, थक गई हूं मैं। मुझे तो डर है कि कहीं कहीं भाई बच्चे के लिए दूसरी शादी ना कर ले। अल्लाह ना करे, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? आप नहीं जानते अम्मी आजकल ऑफिस से भी लेट आ रहे हैं। एक दिन मैंने सवाल किया तो कहने लगे क्यों जल्दी घर आऊंगा, मेरा कौन से बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरा। तुम फहीम से बात करो, किसी का बच्चा खुद ले लो ना। आप अच्छी तरह से जानते हैं अम्मी वो कभी भी किसी गैर का बच्चा गोद नहीं लेंगे। बेटा अपनों में कौन ऐसा है जो बच्चे बांटता रहेगा? मेरे मेरे दिल में एक बात आई है, अगर आप कहें तो मैं अब्रार से बात करूं। अब्रार से? किसके लिए? वो आप जानती है ना अम्मी, तस्नीम हमेशा से कहती है कि उसे और बच्चा नहीं चाहिए, बेटा और बेटी से ही उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। खुदा के लिए अब्रार से बात भी ना करना, अरे उनके बच्चों को उनकी माँ की मर्जी के बगैर
प्यार करने की इजाजत नहीं है और तुम मानने की बात कर रहे हो, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम खुद के लिए बात नहीं कर रही। बस मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तस्नीम से बात करके रहूंगी। वो शेर है तो मैं सवा शेर। आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, मैं अपने तरीके से बात करूंगी उससे। हमें जीने दो। हद होती है बेहिसी की भी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सबीना तुम और शालम तुम नोनी के लिए ऐसे रिश्ते पर इसरार करोगे। मैं तो खुद हैरान हूं अब्बा कि अपिया ने ऐसी बात सोची भी कैसे। अब ऐसा भी नहीं है अपिया, अगर ये लड़का अमीर नहीं होता तो आप क्या इस रिश्ते की हिमायत करती। मुझे तो लग रहा है कि आपको अमीर समझियाना नजर आ रहा है। तो भाई इसमें बुराई क्या है, मेरी बहन पैसे में खेलेगी रूबीना की तरह नहीं।